हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस सेकंड लैंग्वेज तेलुगु सेवेंथ क्लास के लिए थर्ड लेसन में अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी फर्स्ट लेसन एंड सेकंड लेसन दोनों अपलोडेड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं थर्ड लेसन। ये है थर्ड लेसन, पल्ले जीवितम विलेज लाइफ। पल्ले जीवितम का मतलब होता है विलेज लाइफ, विलेज माने गांव की जिंदगी। बोम्मनु चूडंडी, पिक्चर को देखना है, आलोचिंचि चेप्पंडी, सोच समझ के बोलना। आप देखिए पिक्चर को देखो, आप लोग सूरज है, परिंदे है, जंगल है, रोड है, गांव है, ये बहुत सारे पिक्चर को देखना है। इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। ऑलरेडी मैंने वीडियो ये रिकॉर्ड किया था लेकिन कुछ वजूहत की वजह से डिलीट हो गया है, इसलिए लिखा हुआ इसी तरह। पाई बोम्मलो एमएमी कनिपिस्तुन्नाई, ऊपर के पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं सोच समझ के लिखना है। सूरज दिखाई दे रहा, गांव दिखाई दे रहा, झाड़ है, घर है और गाड़ियां भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मीर चूसिना पल्ले को बोम्मलो ने पल्ले को तेड़ा एमटी, आप जो गाँव देखे हैं वो गाँव को और ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है जो गांव है, ये दोनों में क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं। एम ही तेड़ा ले दो, अगर आपको कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है लिखना आसान है। एम ही तेड़ा ले दो, नैन चूसना ऊरी लागाने होती, मैं जो गांव देखा हूँ उसी तरह ये भी गांव है। पल्ले लो एम एम उठाए चपंडी, गाँव में क्या क्या रहते हैं उसके बारे में बोलना है। अड़बुल जंगल रहता है, फॉरेस्ट चटलू झाड़ होता है, पुलालू खेत रहते हैं, जंतुलू जानवर लोग, इस तरह किस बहुत सारे आप लिख सकते हैं। चलिए अब लेसन में जाएंगे। ये है आपका फर्स्ट लेसन, ठीक है, यहाँ से देखिए। माँ भक्तलापुरम चिन्ना पल्लेटूरू, हमारा भक्तलापुरम एक गांव का नाम है, एक छोटा सा खेड़ा गांव है, छोटा चिन्ना पल्लेटूरू माने छोटा सा गांव। इधर उम्मड़ी नलगोंडा जिला लो सूर्यापेट तालूका लो उंदी, ये यूनाइटेड उम्मड़ी मतलब यूनाइटेड नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के सूर्यापेटा मंडल में है। पहले सूर्यापेटा था, शायद बाद में चेंज हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर उम्मड़ी कह रहा है। प्रस्तुतम अधि पेनुबाड़ मंडल, अभी पेनुबाड़ मंडल में है। देखिए पहले सूर्यापेटा था तो अब पेनुबाड़ मंडल में है। कौन सा गांव है ये? भक्तलापुरम, ठीक है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के सूर्यापेटा में पहले था, अब पेनुबाड़ गांव में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, माँ बाल्यम इंट्लो गेदे बर्रेलनु पेंचेवारु, मेरे बचपन में हमारे घर में बेफेलोस को पाला करते थे। पच्चीगड्डी हरा भरा घास, एंडू गड्डी सूखा घास, समृद्धि का दुर्के थी, बहुत हमको मिलता था, जिसकी कमी नहीं, मैं समृद्धि मतलब आसानी से। सायंकालम दाका पशुओं कापरी मेपुकोनी तेच्चेवाड़ो, शाम तक क्या करते थे खेतों में उस जानवरों को चलाकर, उस जानवरों को चराने वाला शाम तक हमारे घर को लेकर आ जाता था चराकर। इंटी वाड़कानी पालो पेरुगु नेयि कोरत लेकुंडा उंडेदी, घर के अंदर दूध दही और बटर घी, इसकी कोई कमी हमको नहीं होती थी। माँ चिन्नतनमलो चाला कालम बोग्गुलनलोने पंडलु तोमुकुन्नाम, हमारे बचपन में बहुत दिनों तक हम लोग कोयले से दांत मांजा करते थे, दांत हम रगड़ा करते थे, अभी पेस्ट है, पहले नहीं था। अपड़ वेप पुल्ला तो कभी कभी हम लोग दांत रगड़ने के लिए नीम का काड़ी भी हम इस्तेमाल करते थे। चलिए इसके बाद देखिए, ग्रामाल्लो साधारणंगा खाली स्थलम इंटि वेनुका एक्कुवगा उंटुंदि, जनरली गांव में विलेजेस में खाली जगह ब्लैंक जगह घरों के पीछे हुआ करती है, मतलब खुले खुले घर रहते हैं। माँ पेरडलो चाला स्थलम, हमारे उसी तरह हमारे पास भी बहुत जगह खाली थी, अकड़ मा नायना गारु श्रद्धगा मल्लु तवि कूरगायलु पादुलु पेट्टेवारु, हमारे फादर बहुत इंटरेस्ट से उसके अंदर मड़ियाँ मतलब छोटे छोटे हिस्से बनाकर तरकारियों के बीज लगाया करते थे। क्या क्या? बेंडा लेडीज फिलिंगर, गोकरी मतलब एक तरह गोकरी मतलब सेम का पल्ली को कहते हैं, वंगा ये भी एक तरकारी का नाम है, चुक्का कोरा चुक्के की भाजी, बच्चल कोरा माट की भाजी, तोटा कोरा पालक की भाजी, गंगा वायला कोरा ये भी एक भाजी का नाम है। अने भी मल्लों ने पढ़ने चाहिए, पूरे हमारे घर के पीछे जो मड़ियाँ बनाए थे पार्ट्स बनाए थे उसके अंदर होते हैं। इप्पटी किंगा पालकूरा टमाटालू व्यापन ज्यादा, जब पालकूरा ये भाजी और टमाटो ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। पच्चीमिरपकायलू कोतिमीरा कूड़ा वैसे वाड़म,
हरे बीच बीच में हम क्या करते थे, हरी मिर्ची के पेड़ या झाड़ और कोतिमीर कोरिएंडर के झाड़ भी हम लगाते थे। बीरा मतलब तुराई, पोटला मतलब बटाना, वंट तीगलू गुंजुलु पाती, ऐसे क्या करते थे हम लोग इन झाड़ों के बेलों के लिए गुंजलु पाती माने लकड़ियाँ गाट कर पैन अड्डंगा मल्ली वेदरु बंगुलू, फिर उस लकड़ियों के ऊपर और लकड़ियाँ एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, लेदा सन्ननी ये कर्रलनैना ताटी तो बिगिंचावन, छोटे छोटे लकड़ियों से ऊपर एक छप्पर की तरह हम लोग बनाते थे और रस्सियों से बांधते थे। मध्य लो अड्डंगा कंदिकर्रा वंटी कप्पी पंदरीगा वेसे तीगलो विशालंगा अल्लुकोनी व्यापिस्ताये, बीच बीच में हम क्या करते थे कंदिकर्रा मतलब तुवर के छोटे छोटे जो झाड़ होते हैं, तुवर का फसल काट दिए बाद जो झाड़ होते हैं सूखते बारीक बारीक होते हैं वो क्या करते थे ऊपर घर पर छप्पर की तरह डाल देते थे, तो वहाँ पर क्या हो जाता था पंदरीगा एक मंडवे की तरह एक छप्पर की तरह होता था, तो वो छप्पर के ऊपर और ये बेल कौन सी तुरई की और ये बटाने की फली की बेल आसानी से फैल जाती थी। वर्षा लो पड़नपड़ो नीरू पोसे वालों, अगर कभी बारिश नहीं होती थी तो हम उनको झाड़ों को पानी डाला करते थे। कूरगायलू कोनुकोने अवसरम अपटलो मा ऊरीलो एवरिकी उंडेदी कादु, तरकारियां खरीद लेना उस दौर में हमारे गांव में किसी की जरूरत नहीं थी माने सब लोग उगाया करते थे। एपुड़ाइना बस्ती के बलते आलू गड्डलो कोने तेचकोना, कभी हम बाजार को जाएंगे तो सिर्फ हम लोग वहां से पोटैटोस खरीद कर लाते थे। आ रोजुल्लो आलू गड्डलो वंडुकोवडम गोप्पगा अनुकोने वारु, उस दिनों में आलू को पकाना पोटैटोस को बनाना बहुत ही खास माना जाता था। पेरटलोने प्रत्येक स्थलंलो बूड़द गुम्मड़ी विन वेस्ते अभी तीग चुटरा स्थला आक्रमित पेरटो मतलब आंगन में एक स्पेशल जगह पर बूड़द गुम्मड़ी मतलब शक्कर कद्दू हम जिसे कहते हैं ना, उसको शक्कर कद्दू के बीज अगर वहाँ पर डालेंगे तो उसके जो बेल होती है गोल घूमते घूमते पूरी जगह को कब्जा कर लेती थी। ओक्को का तीगा 20-30 कायलू कूड़ा काचवी, एक एक बेल पर 20-30 फल भी हुआ करते थे, शक्कर कद्दू हुआ करते थे। गुम्मड़ी कायलू कूरगा वंडुकोवटम, उन कद्दूओं को सालन बना लेना, चारुलो वेयटम दाल में डालना, काक वड़ियालु पेट्टुकोवडानिकि वड़ियालु माने भज्यों की तरह भी बनाकर हम लोग उपयोगించేవారు यूज करते थे। इवे काकुंडा चिंत चेट्ल नुंचि चिंत चिगुरु स्थिरैन बल्कि इमली के झाड़ से चिगुर चुगुर तोड़ना, तेंपुकोनी पच्चड़ी पप्पु चुगुर तोड़ लेकर पच्चड़ी माने खट्टा पप्पु दाल कूरा माने सालन चेसुकुने बना लिया करते थे किससे इमली के चुगुर से। सामान्यंगा चैत्र वैशाख मासल अप्रैल में, जनरली चैत्रम वैशाख मतलब अप्रैल मई के महीने में चिंत चिगुर वस्ते अप्रैल मई के महीने में इमली का चुगुर लगा करता था। इप्पुडु नगरालो दानी कूडा कोनुक्कोवाल्सि उंटुंदी, आजकल शहरों में ओ चिगुर को भी खरीदने की नौबत आई है। मामिडिकायल रोजुल्लो वाटिनि पच्चडिगा, आम के सीजन में उसको पच्चड़ी मतलब पिकल अचार की तरह पप्पुलो या दाल के अंदर डालना, पच्ची पुलुसु या खट्टा कच्चा खट्टा बनाकर यूज किया करते थे कैरियों से। वैशाख मासंलो मामिडिकायलु ऊरगायलु पट्टुकुनेवारु, वैशाख मासम मतलब मई जून अगर आए तक उन कैरियों से ऊरगायलु मतलब अचार के लिए यूज किया करते थे। वेसवलो विरिविगा दोरिके मरोक कूर पुन्नगंटि कूर, दुक्काल में एक और भाजी मिलती थी जिसको हम कहते हैं पुन्नगंटि कूर मतलब माटकी भाजी शायद कहते होंगे। यदि ये पुलाल गटला में बड़ी जो खेतों का किनारा होता है मेन जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पर पाड़ बड़े न बावलू या पाड़ पड़े हुए बौड़ियों के पास कालवलू या नालों में मुदलने चोटला इन जगहों पर दानंट दाने आधे मुल्च पेर गए, वो खुद ब खुद बढ़ती थी, उसको न कोई बीज लगाने की जरूरत थी न कोई इसको देखने भाल करने की जरूरत है। इपड़ नगर जीवित हम लोग अटवंट रुचुल एनो एनिटिको दूरम है, लेकिन आजकल हम लोग सिटी में बिजी लाइफ की वजह से ऐसे बहुत सारे चीज़ों से टेस्ट से हम लोग दूर हो गए हैं, जैसे भाजियाँ या जो भी हम खा रहे हैं कैरी वगैरह। भोजन आने की पैदावार विस्तरने वाड़ेवारों, उन दिनों में बड़े लोग खाने के लिए पत्रोली इस्तेमाल करते थे, पिल्लल को मात्रम कंचालो पेट्टेवारों, बच्चों के लिए बर्तन प्लेट्स में दाते थे। स्टील गिन्नेलो चेंबोलो पल्लालो ग्लासुलो ये भी मा चिन्नतनंलो अंदुबाटु लेवु, स्टील के बर्तन लोटे या पल्लालो जिस मुश्काब हम कहते हैं या ग्लास ये कोई चीज़ हमारे बचपन में नहीं थी। इतड़ी रागी कंचू राती वेंडी पात्रलो मात्रमे उपयोगिंचेवारु, पीतल तांबा
या सोना चांदी ऐसे प्लेट्स को ही हम इस्तेमाल किया करते थे। अन्नानी के माता सहा ग्रामस्थल अंदर दंपड़ भी उपयोग जवर खाने के लिए उस दिनों क्या करते थे, विदाउट पॉलिश किए हुए चावल जिसको हम क्या कहते हैं ब्राउन राइस कहते हैं वो यूज़ करते थे उन दिनों में। आरोग्य रीत्या दंपड़ बिह्यम श्रेष्ठमने वैद्यु चुपतार कदा, आजकल के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि सेहत के लिए ब्राउन राइस बेहतर है, जिसको पॉलिश नहीं किया गया राइस है वो बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। इप्पटि प्रजलु दंपड़ बियानी एरुवु वाड ताजा కూరగాయలు వాడేవారు, ఎరువులు వాడని తాజా అప్పటి ప్రజలు ఉన్ దినోమే దంపుడు బియాన్ని मतलब जो ब्राउन राइस होता है उसको कैसा उगाते थे, कोई चीज़ केमिकल नहीं डाले जैसा उगाते थे, और तरकारियां भी विदाउट केमिकल के ही उन दिनों में उगाते थे। लेकिन आजकल हर चीज़ मिलावटी हमको मिल रही है। रेगु बेर जामा जाम दानिमा अनार नारिंज ऑरेंज मामड़ी पंडलू आम अने भी मा ग्रामों दिए सब हमारे गाँव में मिला करते थे। సంక్రాంతి రోజుల్లో ప్రొద్దున్నే లేవగానే పిల్లల పేరట్లో వెళ్ళి రాలిపడిన పండ్లు నేర్చుకున్నాం, సంక్రాంతికి దినోమే సువా సువా హమ్ సబ్ ఉడతే థే ఉటేతో ఏ జో జో భీ జే ఫల్ హై వో సువా తక్ నీచే గిర్తే థే వో ఫల్ కో హమ్ చున్కర్ ఖాతే థే। సీతాఫలాలు ఊళ్ళో పొలాల దగ్గర గుట్ట దగ్గర గ్రామాల మధ్య బయట ప్రదేశంలో చెట్లకు కాసేవి, లేకిన్ సీతాఫల్ కే లియే గావ్ మే నహీ బల్కే ఖేతో కే పాస్ పహాడో కే పాస్ या दो गांवों के बीच में जो जगह रहती थी वहां पर इसके झाड़ हुआ करते थे। माँ ग्राम रंडवाई प्लस सीताफल को पंडलु दरके भी हमारे गांव के दोनों तरफ सीताफल के फल मिया कर मिला करते थे। अपड़ अम्बम कोनडम इनका आरंभ कॉल है। सीताफल को जब खरीदना या बेचना सोल्ड करना या बाई करना यह शुरू नहीं हुआ था। वेल्डिन तप्पे को तेपे को तेजकोड़ सिर्फ जाकर हम तोड़कर ला लिया करते थे। एप्पल सपोटा खरबूजा मतलब वाटरमेलन पन्नसा फन्नास द्राक्ष पंडू अंगूर वंटे भी इपड़ माँ परिचय लेते हो, ये सब जब कोई भी ये फल या फ्रूट नहीं थे उन दिनों में। रात्रि पड़कोड़ाने की नुलक मंचालो वाड़ेवारो, और रात में सोते वक्त क्या करते थे, नुलक मंचालो मतलब जो हाथ से बुने हुए पलंग इस्तेमाल करते थे। एंडाकाल में इंटर मुदे लेदा वनक बैठ वन लेदा वनक आर बैठ पक्न वेसको चल गाली हाईगा नीचे धुपकाल में क्या करते थे, घर के सामने या घर के पीछे जो भी जगह है वहाँ पर उस पलंग पे डालकर ठंडी हवा खाते हुए आराम से सोया करते थे। दो माला बाद असल उन दिनों में असल मच्छर ही नहीं थे। डॉक्टर कंडला ये लिखे सवालों का नेम है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे अब इसके अंदर, यहाँ से आपको ग्रामर स्टार्ट है। देखिए यहाँ से क्रिंदी अक्षरालों कलपी चलने वाले इसको मिला के पढ़ के यहाँ लिखना है, कुछ भी नहीं देखे जामा काया यहाँ लिख देना, जैसा वैसा पाठशाला यहाँ लिख देना है, शीताकालम लिख देना है, गेला का जैसा वैसा लिख देना, कूड़ा का लिखना है, सूचना गाड़ीदा तुरंत इसके अंदर मिला के आपको लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सेपरेट करके लिखना है, पाठम चीकटी तीरिका मीगड़ा पूर्व अलग अलग करके लिखना है, कूतुरु मुरुगम కూరగాయలు इस तरह अलग अलग करके यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गुड़ी दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घ ये जो गुणितम से वर्ड जो जो भी वर्ड आया उसको सर्कल डालना है, जैसा कुछ डाला हूँ देखिए मैं ये गुणितम ये गुणी दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम कुमु कुमु दीर्घम रोतम इससे जहाँ पर भी आ रहा है उसको आपको क्या करना है इसके अंदर सर्कल डालना है। कुछ मैंने डाला है यहाँ पर आप देख ले सकते हैं, ये पूरों को आपको डालना है। उसके बाद एक गुणितम आपको लिखना है, काका के की जो भी यहाँ पर दिया है काका के की पूरे आपको लिखना है। यहाँ से जैसा ये दीर्घम है, ये दीर्घम में कौन सा आया का यहाँ पर ये गुड़ी गुड़ी से आने वाले ये पूरे यहाँ पे, तो ये वर्ड्स आपको लिखना है। यहाँ से देखिए लेसन पढ़े ना पाठम लोनी किंद गुणिंद गुर्तुल गल अक्षर पट्टिकल यहाँ पे आपको ये लिखना है गुणिंदम इसके अंदर के ईच ये वर्ड गया लेसन के वर्ड्स के ये तलाकट्टो वाले दीर्घम वाले गुड़ी दीर्घम ये लेसन मीन्स कहाँ से ये गुड़ी गुड़ी दीर्घम कुमु के जो वर्ड्स है वो इसके अंदर पूरा आपको कंप्लीट करना है, ये मैच करना है। देखिए ये हो गया काकरकाया करेला लाइन सीवम, ये हो गया कस्टर्ड एप्पल सीताफल सीताफलम, ये हो गया क्रो कवा काकी, ये हो गया पामु सांप। यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड्स है, जो सही वर्ड है उसको आपको सर्कल डालना है। इसमें जतरा जतारा जातरा नहीं ये जातरा ये करेक्ट वर्ड है। इसके अंदर पाठशाला करेक्ट वर्ड है, इसके अंदर दीपावली करेक्ट वर्ड है, पावुरम करेक्ट वर्ड है, रूपाई करेक्ट वर्ड है। यहाँ पर क्या करना मैच करना है, यहाँ पे लिखना आकाशम आसमान में क्या रहता चांद रहता आकाशम चंदमामा सूदी सुई से क्या रहता धागा, यहाँ पे लिखना आपको
तलुपु दरवाजे क्या रहता ताड़म, यहाँ पे आपको लिखना है। दादाजी मीसा मूंछ, यहाँ पे लिखना है। वंकाया मतलब बैगन का सालन, यहाँ पे आपको लिखना है। पापा मॉडल बच्ची के बातें, यहाँ पे आपको लिखना है। अब ये जो जो वर्ड्स है ये पूरे गुणिंदम लिखना है, का का की ये वर्ड्स के आपको ये पूरे आपको लिखना है। इसके पीछे भी यही गुणिंदम आपको लिखना है यहाँ से। उसके बाद ये देखिए लोगों के नेम्स, सीताफलम, पच्चिमिरपकाया, एनिमिदी, राखी, अरटी, एलुका है ये, गुलाबी है, ये पुली है, ये आऊ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके वर्ड्स लिखना है। यहाँ पे कुछ दे दिया, सीता लता दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखे माता, उसके बाद लिखे पाता, उसके बाद लिखे राजा, उसके बाद लिखे जरा, उसके बाद लिखे माँ ला, इस तरह जितने भी आप बनते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेसन में कौन से फ्रूट्स के नेम से आपको लिखना है लेसन के अंदर, मामड़ी आम, रेगुबेर, जामा, गावा, दानिमा, अनार, सीताफलम, सीताफल, एप्पल, ये पूरे हैं। और मी को तरसन आग कोरा, आपको मालूम रहे कुछ भाजियाँ के नेम्स और तरकारियों के नेम्स लिखना है। चुक्का कोरा, तोटा कोरा, पालक कोरा, ये भाजियों के नेम्स है। ये बीरा, तुरई, पोटला, बटाने की, डोसा का हम कहते हैं ककड़ी, काकरा, ये पूरी यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ देखिए महेश क्या करा, अपना रोज़ाना क्या काम करा वो उन्हें लिख लिया। इस तरह आपको भी लिखना है। क्या करा उन्हें, नेन उदयम 5 घंटे निद्रा लेंडी लेता हूँ, मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, काला कुर्तियाल तीर्चकोनी बड़ी की सिद्धम होता हूँ, जो भी काम है वो कर लेके स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, बड़ी लो टीचर चपेना पाठा लो श्रद्धा मिटा हूँ, स्कूल में टीचर बोले से लेसन को इंटरेस्ट से सुनता हूँ, स्नेहितों कल से सायंत्र आड़कुटा हूँ, दोस्तों से मिलकर शाम के वक्त खेलता हूँ, इंटी की बच्ची तरवा चुंटा हूँ, घर को आकर मैं बाद में पढ़ लेता हूँ, इंट्लो वारु चेप्पिन पनुलो सहकरिस्तान हूँ, घर में जो भी काम बोलते हैं वो मैं करता हूँ, रात्रि 9 घंटे निद्रापो, रात में 9 बजे मैं सो जाता हूँ। तो ये क्या करा, ये महेश लिख लिया। अब आप क्या करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, आप क्या क्या करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करा, ये मामड़ी से जुड़े हुए लिखना। मामड़ी काया एक फल है ये, मामड़ी इसका रस भी निकलता रसम, मामड़ी या उसके बाद तांड्रा भी लिख सकते हैं, और मामड़ी से एक फ्रूट्स भी बनता है, पंडलू भी लिख सकते हैं, मामड़ी पचड़ी बना सकते हैं, और मामड़ी टेंका, ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब पीछे से जो जुड़े हुए हैं उससे यहाँ पर आपको लिखना है, जैसा मामड़ी मुकल तो पचड़े इकड़ा बागुंटी मामड़ी, क्या क्या है आपको आम के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आम के बारे में आपको लिखना है, क्या क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे फर्स्ट वाला मामड़ी तो पच्चड़ी चेस्तारू, ये एक लिखेंगे। आम से क्या करते पच्चड़ी माने पिकल बनाते हैं। सेकंड वाला मामेड़ी पंडलू तीयगा उंटाई, इस तरह लिख सकते हैं। आम बहुत मीठे होते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाला मामड़ी मामड़ी तांड्रा रस तीयगा उंटुंदी, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मामड़ी रसम अंटे नाकु चाला इष्टम, बस इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए ओन सेंटेंस है, अनुमति, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है पेद्दला अनुमति तो परमिशन तो पनुलु चेयाली, बड़ों के इजाज़त से कोई भी काम हमको करना चाहिए। पल्ले गांव विलेज, पल्ले अंदंगा उंटुंदे, गांव बहुत खूबसूरत होता है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक क्रिंदे वाक्यालो क्रियापदाल गुड़चे दिखा लें, यहाँ पे इसके अंदर वर्ब क्या है, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब पहचाना है, क्रिया मतलब वर्ब। राधा सुधा आटलो आड़कुंटुनारु, राधा
और सुधा क्या कर रहे हैं, दोनों गेम्स खेल रहे, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। चंदू पतंगी तैयार चेषाड़ू, चंदू क्या करा, पतंग बनाया है, तैयार चेषाड़ू, यहाँ लिखना आप। मेरी एगरू तो मेरी उड़ रही है, यहाँ पर आपको इसके अंदर लिखना है। रहीम पुस्तकालय को नोट, रहीम किताबें खरीदा है, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे राबिन रेप कथला पोडिलो पालवंटा, राबिन कल कहानियों के कंपटीशन में हिस्सा लेगा, यहाँ पर आपको लिखना है। विकास पाडलो पाड़ता, विकास गाने गाता है, यहाँ पर आपको लिखना है। जो जो भी अंडरलाइन करा है इसके अंदर आपको लिख लेना है। उसके बाद ये देखिए क्रिंदी वाक्यल चौदी, ये कालम, ये टेंस कौन से टेंस में पहचाना देख। सात्विक चित्रालु गीशाड़ो, सात्विक पिक्चर्स ड्रॉ कर दिया, ये भूतकालम है, पास्ट टेंस है। ये विवेक सूक्तुल चतुर्थ, विवेक प्रभाव पड़ रहा है, तो वर्तमान कालम। सेलेबल्लो अम्मा इंटी की वेल्ता, छुट्टियों में मैं नानी माँ के पास जाऊँगा, फ्यूचर्स एंड भविष्य कालम। लाहिरी ललिता पदिकेली निंपुतारो, लाहिरी और ललिता क्या करे, पदिकेली फिल कर रहे हैं, तो फिल कर रहे हैं मतलब ये भी वर्तमान कालम प्रेजेंट टेंस। महाती इसको तो गुड़ू कटेंदी, महाती रेत से अपना घर बनाई है, पास्ट टेंस भूत कालम। संदीप पंडला रसम तागुतोड़, संदीप फलों का रस पीता है, भविष्यत कालम। इस तरह आप इसको ये लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।